अब आपको होमवर्क करना हो, किसी को लव लेटर लिखना हो, किसी मूवी की स्क्रिप्टिंग करनी हो, अपने लिए गाना लिखवाना हो, किसी और के लिए गाना लिखवाना हो, कोई जोक बनाना हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन का फ्यूचर है। वेलकम बैक टू द वीडियो। आजकल आपके कानों में सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिल रही होगी, चाहे आप रील देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में सुनने को मिल रहा होगा, है क्या, कैसे काम करता है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे किस काम का है, सब कुछ इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो रखूंगा एंड सिंपल से तरीके में आपको सारी चीजें बता दूंगा। बस उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, वीडियो पसंद आया वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। बात कर लेते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। पहले मैं आपको एक फुल फॉर्म बता देता हूं इसकी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। एक बॉट होता है, आप इसे बॉट ही बोल सकते हो, हर जगह आपको मिलते होंगे, टेलीग्राम पे मिला होगा, व्हाट्सएप पे बॉट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे से स्केल पे होते हैं, इसके सामने वो इतने से हैं, इतने से। चैट जीपीटी एक ह्यूज डेटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जितने जब से इंटरनेट है तब से सारी चीजें इसके अंदर फीड कर दी गई है मशीन लर्निंग के थ्रू। चैट जीपीटी नवंबर में आया था, ओपन एआई ने इसे लॉन्च किया था, ओपन एआई एक वेबसाइट है, कंपनी आप उसे बोल सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब चैट जीपीटी से आप लिखने वाला कोई भी काम करा सकते हो, कोई भी। अब आपको होमवर्क करना हो, किसी को लव लेटर लिखना हो, किसी मूवी की स्क्रिप्टिंग करनी हो, अपने लिए गाना लिखवाना हो, किसी और के लिए गाना लिखवाना हो, कोई जोक बनाना हो, कोई वेबसाइट बनानी हो, कोई वेबसाइट की कोडिंग करनी हो, कोई मूवी की स्क्रिप्टिंग करनी हो, कोई यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी हो, यानी कि जो भी आपको करना है, बस आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, इसको बताना है भाई मुझे ये करके दे दे, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मेरे बॉस को स्क्रिप्ट लिखते आपको लिख के दे देगा, बस आपका इतना सा काम है, आप उसे अपने बॉस को भेज देना। अब इसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। अब ये काम कैसे करता है मैं वो बता देता हूं, ये तो बता दिए काम क्या करता है। चैट जीपीटी विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एक प्रेडिक्शन बेस्ड है, ओके, ये प्रिडिक्ट करता है व्हाट इज द क्लोजेस्ट आंसर ऑफ एनीथिंग। हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती है, जो भी क्लोजेस्ट होता है हम वो देख लेते हैं, सबसे टॉप पे जो आ रहा है एक दो सर्चेस में जाके, उसी तरह ये काम करता है, ये जब से ज्यादा क्लोजेस्ट जो आंसर होगा वो हमें लिख के दे देगा, एंड आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी से चैट कर रहे हो, ओके। वैसे कुछ कंट्रीज में बैन है क्योंकि बच्चे अपना होमवर्क किससे करा रहे हैं, किसी को कुछ भी लिखना हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लिख दो, इसको ये आंसर निकाल के देता है। एंड मैं आपको इसकी एक और खूबी बता देता हूं, जिस दिन ये लॉन्च हुआ था विद इन 5 days ऑलमोस्ट 1 million लोगों ने इस पे रजिस्टर कर लिया था। अभी तो इसका बीटा वर्जन चल रहा है तो काइंड ऑफ फ्री है, हो सकता है कि ये बाद में पेड हो जाए, वैसे मुझे नहीं लगता पेड होगा, बट ये अभी के लिए फ्री, आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे क्योंकि लोग सारा काम इससे करा रहे हैं, इससे काफी लोगों की जॉब भी खतरे में, उस पर वैसे हम बाद में बात करेंगे। बाकी अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं, मैं लाइव डेमो में आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने इसको चेक किया था अपने आईपैड में, अपने लैपटॉप में एंड अपने मोबाइल में, तीनों में ही मैंने इसे रजिस्टर करके देखा था, तीनों में ही इसे चला के देखा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी, ओपन एआई की वेबसाइट खुलेगी, ट्राई चैट इस पे आप टैप करो, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप नई यूजर हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, साइनअप करना पड़ेगा, लॉग इन नहीं करना है, जैसे आप साइनअप करोगे सारी डिटेल आप कंप्लीट कर लेना, साइनअप हो गया, अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा चैट जीपीटी का, आप यहाँ पे देख सकते हो, अवर गोल इज टू एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर, मतलब ये हमारा सारा डेटा कलेक्ट करता है, पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस पे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन न देना जो लोगों तक जा सकते, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही हमारे थ्रू उठा के देता है, ओके, जो हम इसमें फीड करेंगे वो इस डेटा को पूरा प्रोसेस करता है एंड यही सेम चीज आगे भी फॉरवर्डेड होती है, ओके। तो हम यहां से नेक्स्ट कर लेते हैं। कन्वर्सेशन मे बी रिव्यूड बाय आवर एआई ट्रेनर टू इंप्रूव आवर सिस्टम, प्लीज डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन योर कन्वर्सेशन। सिंपल है, तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं शेयर करना आपको। अब आपको क्या करना है, यहां से हम लोग नेक्स्ट चले जाते हैं, वी वुड लाइक टू फीडबैक, ओके डन, यहां से कर देते हैं। अब चैट जीपीटी का सारी चीजें आ गई, यहां पे एग्जांपल्स, कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशंस। अब इसकी कैपेबिलिटीज आप देख सकते हो, रिमेंबर दैट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, मतलब आपने जो भी इसे पूछा वो उसको याद रखता है, उसी के बिहाफ पे आंसर्स करता है। दूसरी चीज, अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, करेक्ट करके दे देगा आपकी ग्रामर वामर या कुछ भी आपको गलती हो रही है वो आपको करेक्ट करके भी दे देगा। ट्रेंड टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, भाई डिक्लाइन कर सकता है अगर आप इससे कोई भी गलत चीज पूछोगे, तो ये नहीं कि इसको सब कुछ पता है लेकिन कुछ गलत भी पूछोगे तो ये डिक्लाइन कर देगा, ओके, ये देख लेना। एग्जांपल्स हो गए, लिमिटेशंस भी आप देख सकते हो, लिमिटेशंस वो ये नॉर्मल चीज की डिक्लाइन कर देगा अगर आप कुछ फालतू की चीज पूछते हो।
ऐसे लगेगा जैसे आप किसी से बात करो। यहाँ पे नीचे आपको चैट का एक ऑप्शन दिख गया जो ये सर्च का, आपको इसमें कुछ भी लिखना है जो आप पूछना चाहते हो। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिख दिया था, मैं बोलता हूँ कि मुझे यार ऑफिस नहीं जाना, मैं अपने बॉस को सिक लीव लिख देता हूँ। बस आपको इसको लिखना आना चाहिए कि आप पूछ क्या रहे हो, जो ये समझ जाए। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राइट सिक लीव टू माई बॉस, हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हम इस कर लेते हैं सर्च, सिक लीव लिख के दे देगा। एक सेकंड देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे देता है जैसे ह्यूमन लिखते हैं ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे ही, बिल्कुल ये सारी चीजें वही लिख के दे देगा। अभी इसके बाद में ऐसी ऐसी चीजें पूछूंगा, आप देखना इसका कमाल। एंड प्लगरिज्म में भी ये नहीं पकड़ में आता, मतलब अगर आप प्लगरिज्म भी चेक करते हो तो बहुत अच्छा इसका रेट होता है, मतलब बहुत कम चीज मिलेंगी जो वहां से, मतलब ऐसे लगेगा गूगल से कॉपी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अपनी तरफ से खुद लिख के देता है सारी चीजें। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी लिखी है, एंड ऐसे लिखा है जैसे एक ह्यूमन बीइंग लिखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट अ सॉन्ग फॉर मी, राइट अ सॉन्ग, आप देख लो वर्स लिखेगा सारी चीजें, मतलब बहुत डिटेल में। एंड हो सकता है कि यहाँ से अब बहुत से लोगों की जॉब इस तरह से जा सकती है, कंटेंट राइटर्स की तो मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी जॉब खतरे में है, बट स्टिल ह्यूमन से ज्यादा तो नहीं होती मशीन, बट ये बहुत अच्छा एंड बहुत ज्यादा क्लोज है ह्यूमन के, तो आप ये देख लेना। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, बाकी और जो आप चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्या लिखवाना चाहते हो। एंड आप भी लिख के देख सकते हो, वैसे तो देखो पूरा का पूरा गाने लिख दिया इंग्लिश में, एंड हिंदी में भी लिख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे लिखू राइट अ सॉन्ग इन हिंदी, ये देखो स्टॉप, इसको मैं ऊपर वाले को स्टॉप कर देता हूँ यहां से, इन हिंदी वर्स तेरे बिना अजनबी सा लगता है, जीवन मेरा कुछ अधूरा सा लगता है, पर पल तेरी यादों में खोई हुई हूँ, मुझको तन्हाई में तेरा साथ चाहिए, कोर्स भी देख लो, तेरे बिना जीना मुश्किल है। मैंने गाना सुना नहीं है, आपने सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यस मैंने गाना सुना, बट मैंने तो नहीं सुना कभी भी। मतलब आप इसे जो लिखवाना चाहते हो वो लिख देगा, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं इससे, कोई भी अगर मैं क्वेश्चन इसको लिख के देता हूँ, ओके बहुत ही बेसिक सा, एंड ये उस चीज को भी समझ लेता है। मैंने प्लस का वो नहीं लगाया साइन, मैंने सिंपल प्लस लिखा है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है वो ये चीज समझने की कोशिश करता है कि यार ये पूछने की कोशिश कर रहा है, जो इंसान इसमें डाल रहा है, हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, तो वो क्या क्लोज आंसर है इसका, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप किसी का कोड भी लिख सकते हो, बस आपको इसमें बोलना है कि राइट अ कोड फॉर मी, आप इसको पूछ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट अ व्हाट्सएप बैकएंड कोड, देखते हैं क्या आता है, वैसे तो मुश्किल है, I'm sorry, but working backend code for WhatsApp would be complex, okay? लेकिन अगर छोटी छोटी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आप एक कोड लिखवा सकते हो। देखो मैंने ये भी दिखा दिया आपको, ये क्या नहीं कर सकता है कभी कभी, लेकिन वो चीजें नहीं कर सकता जो हम चाहते हैं, हर चीज तो नहीं कर सकता ना, ह्यूमन तो इससे आगे रहेंगे। स्टिल अब हम इसे एक लव लेटर लिखवा लेते हैं। ओके, राइट अ लव लेटर, देखते हैं लव लेटर में क्या लिखे गए। माई डियरेस्ट नेम, हिंदी में लिखवाएंगे राइट अ लव लेटर इसे, मतलब यार इट इज द फ्यूचर नाउ, क्योंकि AI बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। एंड AI ये मैंने आपको बता दिया कैसे यूज हो रहा है, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं, लाइव डेमो आपको मैंने देखे दिखा दिया। उसी के साथ साथ अब इससे हम लोग वीडियोस कैसे बना सकते हैं, ये स्क्रिप्ट कर देगा। मैं आपको अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट करके दिखाऊं, मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूं, यहां पे मैं अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी कर लेता हूं। ओके, तो मैं इसको बोल के देता हूं राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ YouTube वीडियो इन हिंदी, अब हिंदी में भी लिख के दिखा देगा। वीडियो टाइटल 10 टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट इन हिंदी, ओपनिंग शॉट बता दिया, ए पर्सन इज सिटिंग इन द डेस्क लुकिंग स्ट्रेस्ड, एंड मतलब आप देख रहे हो स्क्रिप्ट दे दी पूरी लिख के, विजुअल्स हो गए, वॉइस ओवर हो गया, टिप्स हो गए, मतलब सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में ऐसे लिख रहा है जैसे इंसान हो। मैं जोक भी लिखवा सकता हूं इससे। ओके, यहां पे लिख के देखें राइट अ जोक, जोक फॉर मी, राइट अ जोक ऑन यूट्यूब, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। Why did tomato turn red? Because I saw the salad dressing. ठीक था, हंसी नहीं आई। अब इसके कुछ चीजें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, यहाँ पे सिक लीव जो मैंने लिखवाई थी वो है ऑलरेडी। अब आप इस कॉन्वर्सेशन, अगर आप चाहते हो कि मेरी कॉन्वर्सेशन ना पड़ी जाए ये पूरा, क्योंकि जब भी आप खोलोगे तो आपकी सारी कॉन्वर्सेशन आएगी, जिस भी मेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है उसकी सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे आप चाहते हो डार्क मोड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइट मोड किया हो, आप यहाँ पे डार्क मोड कर सकते हो। ओके, ओपन AI डिस्कॉर्ड्स के थ्रू आप किसी से बात भी कर सकते हो यहाँ पे, एंड अपडेट्स आते रहेंगे। आप चाहते हो लॉग आउट करना तो यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हो, वैसे बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। अब आप इससे अपनी स्क्रिप्टिंग करा सकते हो। अब इसे पैसे कैसे कमा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे AI सिस्टम्स आ चुके हैं, स्क्रिप्टिंग आपकी रेडी है, टॉपिक से आपके ढूंढ के दे देगा। अगर आप लिखो, मैं यहाँ पे टॉपिक भी ढूंढ के आपको देता हूँ। ओके, ट्रेंडिंग
टॉपिक फॉर यूट्यूब वीडियोस, ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर यूट्यूब वीडियोस। अब यहां पे मैं इसको पूछ लेता हूं, लेट्स सी क्या बताता है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी बता देगा, यहां पे जनरेट हो रही है नीचे, आप देख सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक भी। अब आपने टॉपिक ढूंढ लिए, अब उसके लिए आप स्क्रिप्ट भी करा सकते हो, व्लॉग एंड पर्सनल वीडियोस, ओके, स्क्रिप्ट फॉर पर्सनल वीडियोस। तो आपको ये पर्सनल वीडियोस की स्क्रिप्टिंग भी दे देगा, लिख के स्क्रिप्टिंग होगी। अब आप उसको और जो है वेबसाइट्स है वहां पे जाके आप उसका वॉइस ओवर कर सकते हो, बस पीछे दो चार पिक्चर्स लगानी है, एंड वो भी एआई में हो सकती है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन पे जाके चेक कर लेना। आपकी जितनी भी जो आपकी जो स्क्रिप्ट होगी उसको वॉइस ओवर हो जाएगा, वॉइस ओवर के साथ साथ उसकी वीडियोस बन जाएंगे ना, आप उसे अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे। इस तरह आप पैसे कमा सकते हो। कंटेंट राइटर हो तो आप कंटेंट लिख सकते हो किसी के लिए, अगर आप वेबसाइट कोड करना चाहते हो तो आप कोडिंग भी कर सकते हो। आपको बस उसका इसको इनपुट देना है कि भाई इसका कोड लिख दे, ये आपको कोड भी लिख के दे देगा। बहुत सारी चीजें हैं जो ये कर सकता है। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हो, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने तो इसमें फंडिंग की है। लेट्स सी माइक्रोसॉफ्ट इसे एज असिस्टेंट ले लेता है या फिर गूगल इसको यूज करेगा, क्योंकि गूगल को तो बीट करने वाला है एंड ऑलरेडी बीट कर भी चुका है आप चीजों में। अब उस पर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट दिस इज हाउ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क, दिस इज हाउ अ चैट बॉट लाइक चैट जीपीटी वर्क्स। प्री ट्रेंड है, इतना डेटा है इसके पास। आप इसको बोलोगे ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 पे लिख के दे दे, तो ये उस पर भी लिख के दे देगा सारी चीजें। बाकी आपको इसको फोन पे भी चलाना है तो सिंपल आपको चैट जीपीटी लिखना है। मैं आपको फोन पे भी चला के इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सफारी में जाओ, यहाँ पे लिखो चैट जीपीटी, एंड पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आपको इसको टैप करना है एंड नीचे ट्राई चैट जीपीटी पे टैप करो, एंड इस तरह खुल के आ जाएगी। यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो कुछ भी, नॉर्मल है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे चैट में कुछ भी सर्च कर सकते हो। एंड सेम ये आईपैड में भी काम करता है, राइट? आपको पता लग गया होगा चैट जीपीटी है क्या, कैसे काम करता है, कहां से आया है, कब लॉन्च हुआ था, आगे क्या फ्यूचर है, पैसे कैसे कमा सकते हैं। लाइव डेमो देखे मैंने आपको दिखा दिया, इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है, एंड वीडियो वर्थ वॉचिंग लगे, कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना कि चैट जीपीटी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, नहीं मिला, येस या नो जरूर लिख के जाना। नो भी लिख सकते हो अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला है, ये एक फीडबैक होता है जिसके लिए हम और अच्छे से इंप्रूव करके और अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए मिला सकता हूं। उसी के साथ साथ वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।